प्रयागराज में पिछले एक पखवारे से प्याज की कीमतें करीब दो गुना बढ़ गई हैं। टमाटर और प्याज की बढ़ी हुई कीमतों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। सब्जी मंडी में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। प्याज के साथ और भी सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। लहसुन भी 300 तक पहुंच गया है। टमाटर भी लगातार लाल होता जा रहा है। टमाटर 50 से 60 रुपए तक बाजारों में बिक रहा है। लोगों की दिक्कतें इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि प्याज के बिना ना तो सब्जी बनती है, ना ही मीट मछली और ना ही सलाद की प्लेट सज पाती है। पहली बार ये हो रहा है कि शादी होने का कारण पे, मगर तब भी प्याज आदमी जो 10 किलो है वो 5 किलो से ही काम चला रहे हैं। और क्या ग्राहक क्या कहते हैं? ग्राहक यही कहते हैं कि इतना महंगा है, थोड़ा सा दे, थोड़ा सा ही काम चला लेंगे। मैं आलू लिया हूँ 40 रुपए किलो, प्याज लिए हूँ 80 रुपए किलो, और बाकी लहसुन 300 रुपए किलो हो गया है। वो तो मतलब एक किलो के बजाय मैं 100 ग्राम 150 ग्राम एक पाव तक लेता हूँ बस। पहले दो महीने से प्याज की दरों में लगातार इजाफा हुआ है। 30 से 35 रुपए किलो बिकने वाली प्याज को इन दिनों खरीदने के लिए लोगों को कई बार सोचना पड़ता है। बेहतर क्वालिटी वाली प्याज 100 रुपए और टमाटर 60 रुपए किलो तक बिक रही है। कीमतों में बढ़ोतरी होने की वजह से प्रयागराज के लोग प्याज का इस्तेमाल काफ़ी कम कर दिए हैं। जिन घरों में एक किलो से ज़्यादा प्याज इस्तेमाल की जाती थी, वहाँ अब महज एक पाव से ही काम चलाना पड़ता है। लोगों के मुताबिक पहले प्याज काटने पर आंखों में आंसू आते थे, लेकिन अब प्याज खरीदने वक्त ही आंसू निकलने लगते हैं। इसके चलते किसी ने सलाद की प्लेट से प्याज को हटा दिया और कोई बिना प्याज वाले डिशेज तैयार कर रहा है। प्रयागराज में इसी साल सितंबर के आखिर में प्याज 100 रुपये किलो तक बिकी है। इस वक्त कई दुकानदार ने प्याज रखना ही बंद कर दिया है। लोगों की आशंका है कि कहीं प्याज उन्हें फिर से उसी तरह ना रुलाने लगे। खरीदारी में 50% गिरावट आई है। बिल्कुल, पहले हम ज़्यादा ले जाते थे, अब हम थोड़ा कम करके चल रहे हैं। सर, इसके लिए तो शासन प्रशासन और जो तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं वो शासन से होना चाहिए। अब खास तौर पर मैं मजदूर किस्म के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो बेचारे कैसे अपना परिवार चलाएंगे। लगातार बढ़ रहे सब्जी के दाम को लेकर दुकानदारों का कहना है कि बारिश होने पर प्याज के दाम बढ़े हैं और सामान्य होने में एक महीने के वक्त और लगेगा। पुरानी प्याज है वो 100 रुपए के जी है, नई प्याज है वो 80 रुपए के जी है, और टमाटर का रेट है, लहसुन का रेट है थोड़ा टाइट हुआ है। बारिश के कारण, बाढ़ के कारण कुछ जो प्याज जो 2 महीना पहले आनी थी 2 महीने बाद आ रही, थोड़ी इस कारण से थोड़ी प्याज महंगी है।